शाहनगर पुलिस ने जनपद अध्यक्ष श्रीमती सीमा देवी पाल की शिकायत पर कांग्रेस नेता अनिल तिवारी के विरुद्ध संबंधित धारा के तहत मामला दर्ज कराया। जहां पूरे भारत देश में लॉकडाउन चल रहा है और धारा 144 लागू है, ऐसे में शासन के सभी निर्देशों को अपनी सत्ता बताते हुए कटनी शिवनगर निवासी कांग्रेसी नेता अनिल तिवारी ने सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर ग्राम पुरैना में आदिवासी बस्ती में जाकर भीड़ एकत्रित और बीजेपी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सरकार से अपील कर रहे शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी से कि ये सुबेरे से शाम तक झूठ बोलना बंद करें। कल प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को बड़ी बड़ी डीगे हाँक रहे थे। शिवराज सिंह चौहान सुबह से शाम तक टीवी में झूठ बोल रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा थी नेतागिरी राजनीति ना करो कोरोना में, तो ये रोटी की तो गरीब आदमी की व्यवस्था करें। और इस वीडियो के माध्यम से हम शिवराज सिंह से ये अपील करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी पापी व्यक्ति हो आप, झूठ पाखंड आपके खून में है। जनता ने इस बार आपको नकार दिया था, अब आपका झूठ चलने वाला नहीं है। और आप लोग सुनो, अगर ये आपदा की घड़ी में आप लोगों के बीच में विधायक सांसद मदद करे आऊ थी तो ठीक है, आपके बाद में बीडी शर्मा या प्रहलाद लोधी को हुआ है तो आप लोगन का क्या करने हैं बाद में, अगर आपके दुख में ना ही तो काम मतलब बीडी शर्मा को जूता मार के बाहर कर देना, बिल्कुल छोटे जूता मारना। भोपाल में बैठ के टीवी में शकल दिखा रहा, यहाँ का सांसद है आपका वो बीडी शर्मा, भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा टीवी में, छोटे जूता मारना इन भाजपा चोरों को। ये हम मैडम, आपने जो अनिल तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है वो क्या मामला है? मैं जनपद अध्यक्ष साईनगर महिला मोर्चा की मंडल, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हूँ, बोल रही हूँ। और इसका मामला ये है कि 15/4/2020 को शाम 5 बजे हमारे ग्राम पंचायत पुराना में आदिवासी मोहल्ला में अनिल तिवारी जी एक दुकट्टी चावल लेकर के आए और आदिवासी मोहल्ला में सभी आदिवासियों को बुला करके गल्ला बांटने लगे, जो कि नियम के विरुद्ध है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। इस समय तो हम ना भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं ना जोड़ सकते हैं, तो इन्होंने एक तो नियम का उल्लंघन किया और दूसरी बात ये कहा कि यहाँ पर कोई आया क्या, अभी तक कोई जनप्रतिनिधि आए क्या, कोई भाजपा के आए क्या, लेकिन मैं आया हूँ, जो अपना होता है वो आता है, बाहरी लोग नहीं आते हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया। और साथ ही ये कहा कि यहाँ ना सांसद जी आए, ना विधायक जी आए और ना PM साहब और ना CM साहब, इन्होंने सांसद विधायक PM और CM सभी लोगों को के साथ अपमानित शब्दों का प्रयोग किया, भद्दे भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। और साथ ही ये कहा कि कोई भी सांसद यहाँ आए या विधायक आए या कोई भी जनप्रतिनिधि आए तो उनको अपमानित शब्दों का प्रयोग करके गाली दे करके गांव से बाहर निकाल देना, सभी आदिवासियों और पूरे गांव, पूरे ग्राम पंचायत में सभी लोगों के सामने शासन प्रशासन के खिलाफ विरुद्ध उनको भड़काया गांव वालों को, जबकि शासन प्रशासन पूरा काम कर रही है उसके बावजूद भी उनके प्रति भड़काया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के लिए भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, इसलिए मैं कल जा करके और FIR दर्ज करवाई। धन्यवाद।